रोजगार के माध्यम से हमारी सरकार ने ट्रांसपेरेंसी तो भर्ती की है, परंतु इसके अंदर एससी और ओबीसी को भी रिजर्वेशन दे करके उसका भी पूरा क्राइटेरिया तय करने का काम ये हमारी सरकार ने इसके अंदर किया है। ये डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ये पॉलिसी 2022 भाइयों, इसके माध्यम से ये सारे के सारे युवाओं को रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। आपकी समस्याओं को लेकर के चाहे हमारे पार्ट वन के हैं या पार्ट टू के हमारे या पार्ट थ्री के हमारे ये सभी कर्मचारी हैं जो भर्ती हुए थे, उनकी समस्याओं को लेकर के हमने इनका 8% की बढ़ोतरी करने का वो निर्णय लिया है और आगे भी ये समस्या नहीं रहेगी और इस समस्या को हम लगातार उसको समय समय के ऊपर निर्णय लेकर के आपके हकों को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। बहुत सारे कर्मचारी ऐसे थे जो MITC के थे, कुछ HMT के थे, कुछ कोऑपरेटिव के थे, ऐसे सब कर्मचारी जिनकी पेंशन वो 2000 रुपये 2000 से कम उनको मिलती थी, परंतु हमने कैबिनेट में ये निर्णय किया कि ऐसे कोई भी कर्मचारी है सभी को कम से कम 3000 रुपये महीने की वो पेंशन उनको मिलनी शुरू हो जाएगी।